पैसे का प्रतीक। कोल सेंट्रल 50 अमेरिकन डॉलर है, तो हैरान मत होइए। नरवाना के कस्बे में एक कलाकार ने अपनी कला का जौहर दिखाकर छोटी सी दिखने वाली तिल्ली की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा दी है। लेकिन इस कलाकार की जीवन कथा अपने आप में कई कहानी कह जाती है। अमूमन शारीरिक विकलांगता इंसान के लिए अभिशाप ही मानी जाती है, लेकिन प्रतिभा किसी तरह की विकलांगता की मोहताज नहीं हो सकती, यही साबित किया प्रदीप कुमार ने। प्रदीप को बचपन से ही सुनाई देना बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने इस अभिशाप को वरदान में बदलने की ठानी और माचिस की तीली पर शुरू किया अनोखी कलाकृतियां बनाने का सिलसिला। देवी देवताओं, पशु पक्षियों और आम इंसानों को माचिस की तीली पर तराशने वाली इन कलाकृतियों को न सिर्फ देश बल्कि 7 समुन्दर पार भी काफी सराहा गया। मैं राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, राष्ट्रपति तक पहुँचाने की इच्छा है। पहुँचाने चाहिए भाई, ये जब कोई मातृतिली दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना सकता, इसलिए मैं मातृतिली बनाऊंगा। आप ऐसा चाहते हैं कि माचिस की तिल्ली पे दुनिया में कोई नहीं बना सकता, आप बनाएंगे? अपनी शारीरिक विकलांगता से प्रदीप जरा भी विचलित नहीं हुए। आखिर कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने की चाहत ने उन्हें बुलंदियों पर जो पहुंचाया, उनके परिवार वालों को भी बेटे की इस उपलब्धि पर काफी नाज है। काम जो और आगे बढ़ाता रहे, विदेशों में इसका नाम होता रहे, अपने देश में, अपने देश में तो इसका नाम काफी हो रहा है। और मिल जाए अच्छा, तो यहाँ की इच्छा पूरी हो जाए, बाकी विदेशों में जाए या तुम्हारा काम होता है। लेकिन फिर भी आप कैसे समझते हो? मुझे खास बात यह है कि प्रदीप सामने वाले के सिर्फ होठ हिलाने भर से ही उसकी बात समझते हैं। अभिशाप को वरदान बनाने वाले प्रदीप को सम्मानित करने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जापान के राजदूत तक शामिल हैं। साफ है कि जन्म से आई विकलांगता भी प्रदीप को दुनिया में अपनी पहचान बनाने से नहीं रोक पाई। नरवाना से प्रेम सिंह हार के साथ वंदना सिंह, जैन न्यूज।